हरियाणा के गुरुग्राम में अब सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं होगी और इसके आदेश पहले ही आ चुके हैं। बता दें कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज यहां होती है और इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सख्त रुख देखने को मिला है। सीएम खट्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुस्लिम समाज के लोग खुले में नमाज ना करें, भले ही वो अपने घरों में नमाज करें। नमाज को लेकर के लगातार गतिरोध बना हुआ है, आज भी कई जगहों पर देखा है कि उसका विरोध हुआ है, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तप्तदी करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहाँ जा करके करें, खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत से हमारे पास ज़मीनें हैं जहाँ हमें अनुमति दी जाए, या कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी ज़मीन होगी या वक्फ की होगी, उसमें कहीं एनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़ें, खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए इसको किसी यानी हालत में, टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो रिजर्व कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन जबरदस्ती वो किसी को नहीं करने दी जाएगी। वहीं जिला प्रशासन नमाज को लेकर बातचीत कर रहा है। बता दें कि इससे पहले गुरुग्राम उपायुक्त ने बीते सोमवार को कहा था कि मुस्लिम और हिंदू समाज के लोगों की अब बैठक बुलाई गई है और जिसमें कई फैसले लिए गए और अब नमाज का विरोध नहीं होगा। इसमें तय हुआ था कि अब सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं होगी और जुमे की नमाज 12 मस्जिदों में की जाएगी और 6 सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने के लिए किराया देना होगा। वहीं वक्फ बोर्ड की जमीन उपलब्ध होते ही 6 जगहों पर नमाज बंद कर दी जाएगी। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।